नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है जयप्रकाश एसोसिएट्स का, जेपी एसोसिएट्स का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली, जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए कि प्राइस का कैरेक्टर है। प्राइस हमेशा से एक चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो करता है, प्राइस अगर नीचे जाएगा एक डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो करता है, प्राइस अगर कंसोलिडेशन करता है तो एक फ्लावर चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता है। एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ईयर 2008 में टॉप क्रिएट करने के बाद इस डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा था। इस दोनों ब्लू लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी प्राइस देखिए अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है और लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है एंड फाइनली ईयर 2023 में प्राइस यहाँ पे उसका मल्टीपल का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद उसका मेजर सपोर्ट को भी फिर से रिटेस्ट कर रहा है। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जहाँ पे कि इस स्टॉक का प्राइस उसका मेजर सपोर्ट के आसपास आ गया है। प्रीवियसली देखिए जब भी प्राइस इस ग्रीन जोन को टेस्ट कर रहा था, प्राइस को वहां पे देखिए मल्टीपल टाइम डिमांड मिला था एंड एग्जैक्टली देखिए जो ग्रीन जोन जा रहा है स्टॉक का प्राइस के लिए मेजर सपोर्ट एंड प्राइस देखिए ब्रेकआउट करने के बाद वही मेजर सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है एंड जिस टाइप का अभी प्राइस स्ट्रक्चर बन रहा है प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस आउट परफॉर्म कर सकता है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में प्राइस मेजर सपोर्ट के आसपास है कि हैमर क्रिएट किया है। अगर हैमर का लो को ब्रेक नहीं करता है तो आगे आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे जो ब्लू लाइन मेजर सपोर्ट था ना, ब्रेकडाउन के बाद वो मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा जो कि बन रहा है नियरली 12 के आसपास। एक बार प्राइस यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करने का प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर प्राइस यहाँ पे जो कैंडल है हमर बनाए 15 जुलाई का जो हमर बनाए उसका लो को ब्रेक नहीं करता है तो मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो सेल्स देखिए जंप किया है लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है। अभी भी कंपनी लॉस डिक्लेयर कर रहा है जो कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है एंड सबसे बड़ा हाई रिस्क है। अगर कंपनी का कुछ कमाई नहीं हो रहा है तो कैसे काम चलेगा। ओके, नेट प्रॉफिट उसका नेगेटिव चल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआई यहाँ पे क्यों शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं अभी तो पता नहीं है, लेकिन टेक्निकल चार्ट सेटअप मेजर सपोर्ट के आसपास है तो स्टॉक को आपके रडार में रखिएगा, एनालिसिस को ऐड कीजिएगा। हाई रिस्क कैटेगरी में जा रहा है क्योंकि कंपनी लगातार लॉस डिक्लेयर कर रहा है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।